ये गली की बारात नहीं, तेरी कोई औकात नहीं इस जंग में। बन जा मेरा चेला, तुझे बहुत कुछ सिखाना है। मेरा रैप सुन के तेरी बंदी बोले ओ ये तो मेरा वाला गाना है। नल्ली इलाका ये मेरा, गो बैक टू योर गली। ओह माय गॉड रणवीर। अब बहुत बेटे चुपचाप, क्या घंटे का इंसाफ, देश कैसे होगा साफ, इनकी नियत में है दाग सिर्फ कर। छोटे मेरे को लगा था रैप भी पापा शौक है करके, इसको रैप बोलते हैं। ये देख मेरी गाड़ी, मेरे जूते, ये देख दारू छोकरी। सफीना तुम्हें कुकिंग आती है? नहीं, लेकिन अगर सब कुछ सही रहा एक दिन मैं आपका लिवर ट्रांसप्लांट कर सकती हूं। लिवर? हां, मेरा नोटों की सरकार है ना, नोट से बनाते अपने बेटों को ये स्टार। मेरे बॉयफ्रेंड से गुलू गुलू करेगी तो धोकतूंगी ना उसको। बहुत बड़ी गुंडी है तू। अच्छा छोड़ ना, सॉरी फिर से नहीं होगा ऐसा। कहां मेरी कसम, मर जाएगा तू। बड़ी मुराद अगर सपने में दिख जाए तो उसके लिए ट्राई करने का ना, कुछ करने का है तो कर। तेरा अब्बू एक ड्राइवर है, रणवीर आलिया नौकर बनेगा, ये फितरत है। इतना कितना पैसा झोंक रहा हूँ मैं पढ़ाई में, ये पढ़ाई कर रहा है, ये रंगापा कर रहा है। अगली बार अगर देख लिया मैंने, समझ लेना अपना टाइम आएगा। जितने भी चीरफाड़ आर्टिस्ट हुए ना आज तक, सबके सब भूखे फक्कड़। हालत ऐसी कि जो मिलेगा नोच खाएंगे, पीठ चुरा के फिर उसी भूख की कहानी बना के बोले, फिर जाके कुछ खाएंगे। उठ जा अपनी राख से, टूट जा अब तलाश में, परवाज देख परवाने की आसमां भी सर। बस ये तेरे अंदर की सच्ची कहानी। So promising, my god. सर झुका तू दुम दबा, चल रास्ता नाप ले, कपड़े सिला ले खुद के दम पे, नहीं लिए मैंने अपने बाप से। अरे वाह, तो डिवाइन है क्या? अपना टाइम आए, मतलब बवाल है बंदा एकदम, रणवीर सिंह पूरा तहलका मचा के रखा है इसने। पद्मावत के बाद सिम्बा, उसके बाद ये रैप हिप हॉप, एकदम 100% इन्होंने रोल को जिया है अपने अंदर, इस जो रैपर का रोल कर रहा है रणवीर सिंह। और ये मूवी डेफिनेटली हम देखने जाएंगे, और बहुत अच्छा ट्रेलर था, बहुत अच्छा था। अगर रैप म्यूजिक आपको थोड़ा भी पसंद है ना, तो मूवी देखते हुए बस आप ऐसे 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 करते रहेंगे, मतलब म्यूजिक इतना मज़ेदार है ना। और जोया अख्तर का काम तो मतलब माशाल्लाह, कोई कह ही नहीं सकता। जोया अख्तर तो एकदम स्टोरी को जान ले जाती है ना, वो लेवल ही अलग है। रणवीर सिंह बस द हॉट स्टार ऑफ द बॉलीवुड, एकदम रॉक कर रहे हैं, एकदम ये मज़ा आ रहा है इसको ट्रेलर को देख के। और आलिया भट्ट की एक्टिंग भी उम्दा है, आलिया भट्ट की एक्टिंग की कोई मतलब कोई सवाल ही नहीं है, बिल्कुल अच्छी एक्टिंग है उनकी। और भी स्टार्स देखने को मिल रहे हैं, तो मतलब मैं तो यही कहूँगी कि फुल्ली एंटरटेनिंग मूवी होगी। ट्रेलर सच में काफ़ी अच्छा लगा मुझे, और जिस तरह से इसमें रणवीर सिंह की एक्टिंग है काफ़ी अच्छी है, हर जगह बोल रहा है अपना टाइम आएगा, फाइनली उसका टाइम आ जाता है। बाकी अगर देखा जाए तो इसमें आलिया भट्ट भी काफ़ी अच्छी लग रही है, कल की भी अच्छी लग रही है। बाकी जो कल की का रोल है वो थोड़ा समझ नहीं आया कि वो किस तरह से क्या रोल है उसका। बाकी ट्रेलर काफ़ी अच्छा है, लेट्स सी मूवी क्या करती है, देखने लगता है। माई गॉड, मतलब रणवीर सिंह बोल रहे हैं अपना टाइम आएगा, और पर कितना टाइम चाहिए आपको रणवीर सिंह, आप तो इंडस्ट्री में अब राज कर रहे हैं लिटरली। अब फिल्म पर आती हूँ, गली बॉय डेफिनेटली जो है रैपर डिवाइन की स्टोरी से इंस्पायर्ड है, लेकिन रणवीर सिंह टोटली नेल्ड इट। जो एक एटीट्यूड होना चाहिए रैपर का, और जिस तरह से उनका जो स्ट्रगल है, रणवीर सिंह ने वो डेफिनेटली उसमें उस चीज़ को वो खा गए लिटरली। एंड पहली बार है जब रणवीर और आलिया एक स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, दोनों बहुत क्यूट लग रहे हैं, कल की भी दिखती है पूरे ट्रेलर पे, तो मतलब एक अलग ही लेवल पे रणवीर सिंह जो है, एक अलग ही लेवल
सेट कर रहे हैं अपना बॉलीवुड में, चाहे वो उनकी पीरियड फिल्म्स की बात हो, बाजीराव मस्तानी हो, पद्मावत हो, सिम्बा हो, उससे पहले बैंड बाजा बारात और अब गली बॉय। तो मुंबई की स्ट्रीट्स के जो रैपर होते हैं और जो उनका अंदाज है, मतलब रणवीर सिंह हैज टोटली उस कैरेक्टर में अपने आप को एकदम ढाल चुके हैं। तो मैं तो इस फिल्म का बहुत वेट कर रही हूँ एंड डेफिनेटली जो यूथ है आजकल के उनको तो ये फिल्म बहुत पसंद आने वाली है। तो बिल्कुल गली बॉय के लिए आप लोग रेडी रहिए, 14 फरवरी को फिल्म रिलीज होने वाली है। खास बात यह है कि जोया अख्तर इसको डायरेक्ट कर रही है, तो आप जोया अख्तर का जो उनकी फिल्म उनकी जो उनकी फिल्म्स है आप जानते हैं कितनी सही रहती है, कितनी एंटरटेनिंग रहती है। गली बॉय इज डेफिनेटली द मोस्ट अवेटेड फिल्म। फरवरी का महीना रहेगा, वैलेंटाइन का दिन रहेगा, तो ये फिल्म डेफिनेटली रॉक करने वाली है। ट्रेलर बहुत अच्छा है, बहुत टाइम बाद कुछ हम यंगस्टर के पसंद का कुछ आया है। मैं आई एम नॉट श्योर, लेकिन मे बी शायद ये किसी रियल रैपर के ऊपर बेस्ड स्टोरी है उनकी लाइफ के ऊपर, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे एक स्ट्रगलिंग रैपर की जो स्टार्टिंग होती है, जो उसका स्ट्रगल होता है उसको दिखाया है। ऊपर से इसमें रणवीर आलिया मतलब वो तो ऑब्वियसली सुपर्ब हैं और उनकी एक्टिंग भी, तो आई थिंक मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं ज़रूर देखने जाऊँगी क्योंकि मुझे बहुत टाइम बाद कुछ मेरे मतलब का मिला है, तो आई लव इट और मैं जाऊँगी देखने। तू कौन है, क्या औकात क्या तेरा? कोई दूसरा मेरे को बताएगा मैं कौन है? क्योंकि अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा? अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा।